हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एग्जाम्स कब तक होने का चांस है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सारा डाउट क्लियर कर देंगे आप सभी का कि इसका एग्जाम्स कब तक लेने का चांस बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है एग्जाम्स को लेकर। क्योंकि एक टारगेट भी होना चाहिए कि हाँ इतने दिन में एग्जाम्स होगा, तो इतना दिन हमको तैयारी करने का मौका मिलेगा तो बेहतर तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक डाउट बना रहता है, तो डाउट क्लियर कर देंगे आप सभी का। वीडियो में शुरू से अंत तक आप सभी बने रहिएगा। देखिए, अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, तो आप सबको बताऊंगे फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हुए हैं इसका। तो इसका फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हुए वो 17/7/2021 से शुरू हुए हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आप सभी फॉर्म को अप्लाई नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। इसका लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का 31/8/2021 तक है, जो कि समय कितना दिया हुआ है 11:30 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई आप नहीं कर पाइएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। फी पेमेंट आप सभी कर सकते हैं, फी अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है फी आप बाद में भी कर सकते हैं। 2/9/2021 तक फी जमा करने का भी समय दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। लगभग यहाँ आपको 42 से लेकर 43 दिन का समय दिया गया है, समथिंग डेढ़ माह का समय मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पर यहाँ एग्जाम डेट अभी नहीं दिया हुआ है, एग्जाम डेट नहीं दिया हुआ है। एग्जाम डेट जो दिया जाएगा आपको, वो आपको नोटिस के माध्यम से मिल जाएगा आपको एग्जाम डेट। पर एक अंदाज आखिर अब की बार क्या हो सकता है, कितने समय आपको मिल सकता है एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए, बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए। तो देखिए, अगर 17/7 में अगर जहाँ आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हुए, नोटिफिकेशन आए हुए एसएससी कांस्टेबल का, तो यह निश्चित है कि आपको 3 से 4 माह का समय अगर मिलता है तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम्स हो जाएगा। देखिए, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच इसका एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी ज़्यादा समय नहीं लेता है। 3 से 4 माह मिल गए, बहुत मिल गए समय आपको। तो ये टारगेट बना लीजिए, 3 से 4 माह में आपको बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करना है, उस लेवल का तैयारी कर लेना है कि आप एक बार में एग्जाम्स को निकाल सके। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, कोई चीज़ का पता नहीं कि आखिर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करें, बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी कैसे करें, तो देखिए आपके साथ में युवा शक्ति जी के कुछ शामिल हैं, सपोर्ट में हैं, आप से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको बेहतर रणनीति के साथ में आपको तैयारी करवाएंगे, हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम्स में पूछने का चांस है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप से मेरे साथ में जरूर जुड़िए, हर चीज़ आपको दिया जाएगा बिल्कुल युवा शक्ति जी के कोच की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। तो ये एक टारगेट बनाइए, एक रूटीन बनाइए। देखिए, आप सभी के लिए एक रूटीन का भी वीडियो आएगा, एपिसोड आएगा, जो कि डेली आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा, आपको कितने घंटा प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे में आपको सारा चीज़ को कवर कर लेना है, एक अच्छा रणनीति आपको शेयर करेंगे जो कि आपको एक रूटीन के माध्यम से दिया जाएगा, एपिसोड पर डे आएगा। क्या आप सभी चाहते हैं डेली एक रूटीन आपको दिया जाए, एक गाइड करने वाला आपको हो? तो अगर आप सभी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए एक रूटीन पर डे दिया जाएगा, एक एपिसोड पर डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक अच्छा गाइडेंस के साथ में, जो कि आपको एक अलग दिशा, अच्छी राह पर ले जाएं और एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करें, एग्जाम्स को निकालने में मदद करें। देखिए, अब की बार अगर आप सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक टारगेट बना के 85+ स्कोर करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में 85+ स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले बार का देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हाई गया था। और सबसे अधिक हाई कटअप जो जाता है वो आपका एसएसबी हो गया, एनआईए हो गया, ये सभी कटअप सबसे अधिक जाता है। सीआरपीएफ का पोस्ट शामिल नहीं किया गया है, एनआईए का भी पोस्ट शामिल नहीं किया गया है, तो ये दो पोस्ट शामिल नहीं किया गया है, बाकी बात जितने पोस्ट हैं सारा पोस्ट अवेलेबल है। और पहले जितना 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी, समथिंग 54,000 के समथिंग वैकेंसी थी, और अब की बार उसका आधा भी वैकेंसी नहीं है। तो ये तो निश्चित रखिए, कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। तो एक टारगेट आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, रणनीति बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम डेट को छोड़ दीजिए, एग्जाम डेट तो आएगा ही, अगर नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो एग्जाम तो लेना तय है, एग्जाम तो लिया ही जाएगा, आज ना हो कल ना हो परसों तो इसका एग्जाम्स होगा ही। अगर फॉर्म निकला हुआ है, वैकेंसी आई हुई है, तो एग्जाम तो होना तय ही है। आप सभी तैयारी में जुड़े रहें, टेंशन बिल्कुल नहीं लें आप सभी। देखिए, आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में युवा शक्ति जी के क्विज की तरफ से बिल्कुल तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, बेहतर रणनीति के साथ में हम आपको गाइड करेंगे, हर चीज प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे जो हमसे बन सकता है, तो आपसे मेरे साथ में जरूर जुड़ेंगे। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं, अगर अभी आप भी नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि जो भी गाइडेंस है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।
देखिए यहाँ और एक डाउट बना हुआ है सभी स्टूडेंट में एज लिमिट को लेकर कि आखिर इसका एज लिमिट क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या मेरा ज़्यादा उम्र हो गया या मेरा कम उम्र है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं, आप सभी को बताऊंगे एज लिमिट जो दिया हुआ है वो 18 से 23 वर्ष दिया हुआ है, ये जनरल वाले के लिए है। किसके लिए है? जनरल वाले के लिए 18 से 23 वर्ष है, जनरल वाले के लिए 18 से 23 वर्ष दिया हुआ है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा आप सभी। अब देखिए ये एज लिमिट जो गिनती होगा वो कब तक से गिनती होगा, देखिए अगर आप सभी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सभी का जो एज लिमिट गिनती होंगे, अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम जो उम्र होना चाहिए आपका वो 1998 से गिनती किया जाएगा, 1998 से लेके 2/8/1998 से लेके 1/8/2021 तक, 2021 तक आपका एज का गिनती किया जाएगा। इतने समय तक आपका 23 वर्ष उम्र होना चाहिए, अगर इससे पहले का आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो गिनती होंगे वो 1/8/2003 से, 2003 से लेके 1/8/2021 तक जो है कि आपका उम्र 18 वर्ष होना हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम की बात करें तो 1998 से लेके 2021 तक जो कि 8वां महीना का गिनती लिया जा रहा है, और न्यूनतम की बात करें तो 2003 से लेकर 2021 तक जो कि 8वां महीना का गिनती किया जा रहा है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी वाले के लिए एज लिमिट है जो कि गिनती किया जाएगा। अगर आप सभी OBC ST SC से बिलोंग करते हैं तो आप सभी 3 साल और 5 साल उसमें जोड़ सकते हैं। अगर आप सभी OBC से हैं, अगर 95 में जन्म हुआ है 8वां माह में, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सभी SC ST से बिलोंग करते हैं और आपका जन्म 93 से 94 के बीच में भी हुआ है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप सभी का एज लिमिट था। मैं उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुके होंगे और एक एक चीज़ को समझ लिए होंगे आप सभी। देखिए SSC GD का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। किसी भी स्टेट से अगर आप सभी 10th पास हैं, बोर्ड पास हैं, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ भी एक डाउट है, कौन फॉर्म को भर सकते हैं? जो फर्स्ट विजन है वो फॉर्म को भर सकते हैं, जो सेकेंड विजन है वो फॉर्म को भर सकते हैं, जो थर्ड विजन है वो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए तीनों में से कोई है सिर्फ पास होना चाहिए, अगर पास मार्ग लगा हुआ है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा आप सभी। और एक यहाँ डाउट है हाइट्स को लेकर कि आखिर हाइट्स कितना होना चाहिए, कितने हाइट वाला इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो चलिए उसका भी डाउट क्लियर कर ही लेते हैं। अगर हाइट की बात करें हम सभी, तो याद रखिए कैटेगरी दिए हुए हैं और हाइट सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अगर आप सभी जनरल हैं या SC हैं या OBC हैं, ध्यान में रखिएगा जनरल SC OBC वाले के लिए जो है कि हाइट दिए हुए हैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, अर्थात 5.6 फीट आपका हाइट होना चाहिए, 5.6 फीट आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप सभी फीमेल हैं तो आपका जो हाइट दिए हुए हैं वह 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, मतलब कि 5 फीट 2 इंच आपका हाइट होना चाहिए। अगर वही बात करें ST का, ST में जो कि हाइट में छूट है, मेल के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 5 फीट 4 इंच आपका हाइट होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो लगभग जो है कि इसमें 5 फीट आपका हाइट होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर वही चेस्ट की बात करें मेल की, तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये है जनरल SC और OBC के लिए, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए आपका चेस्ट, नॉर्मल में 80 और फुला के 5 सेंटीमीटर। अगर वही ST की बात करें तो 76 सेंटीमीटर आपका बिना फुला हुआ सीना होना चाहिए, उसके बाद फुला के आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो ये जो है कि मेल के लिए सिर्फ चेस्ट है, ना कि महिला के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं रखा गया है, मेल के लिए चेस्ट रखा गया है। हमें उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुके होंगे, एग्जाम्स को लेकर, आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, एज लिमिट को लेकर, उसके बाद आपका जो है कि हाइट को लेकर।
सारा डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एसएससी जीडी का क्लास करवाया जा रहा है यूट्यूब पर। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े आप सभी तो चैनल से जुड़ जाइएगा, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।